बाबा जी राधे राधे आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन खुश रहिए राधे राधे सबको राधे राधे बाबा जी की खास बात है कि बाबा जी इतने ज्यादा वायरल हो गए अगर आज आप अपना फोन उठाओ इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलो तो उसमें से दस में से आठ रील्स जो है वो बाबा की ही दिखेगी और खास बात यह है कि उसमें से 60 से 70 साल के जो उम्र के लोग हैं वो तो है ही दस साल का बच्चा भी उनके सत्संग में रहता है और बहुत पार्टिसिपेट करता है बाबा कैसे आप जोड़ लेते हो सब कोई को अपने में आपके सत्संग में लोग आते हैं परेशान हैरान होके और फिर मुस्कुराते हुए निकलते हैं धर्म में सत्संग में इतनी शक्ति है कि हर रोते हुए को धर्म हंसा सकता है जी धर्म को लोग समझते ही नहीं है धर्म यदि जीवन में उतर जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाए ही नहीं डिप्रेशन नाम की बीमारी खत्म हो जाए पहले के लोगों में डिप्रेशन नहीं था क्योंकि सत्संग से जुड़े थे सत्संग आपको क्या सिखाता है हंसना भी सिखाता है अच्छे व्यक्ति जो भगवान के जैसे मीरा जैसे लोग हैं तो मीरा जैसे भक्तों को रोना भी सिखाता है कि आप भगवान की याद में रोइए संसार के वस्तु के लिए मत रोइए तो धर्म आपको सदा हैप्पी रखना चाहता है इसलिए धर्म से सबको जुड़ना चाहिए और मेरा काम ही है कि बच्चों से लेके बूढ़े तक को जो जैसे समझे जिस भाषा में समझे बच्चे बच्चों की भाषा में समझते हैं तो मैं बच्चा बन के समझा देता हूँ बूढ़े बूढ़ों की भाषा में समझते हैं तो बूढ़ा बन के समझा देता हूँ बस समझा देता हूँ जैसे बन पड़ता है बस समझ जाते लोग हाँ सब समझ जाते हैं आपने पहले कहा कि लोग आते थे सत्संग में अब सोशल मीडिया के कारण जो है वायरलिटी ज्यादा बढ़ गई है मतलब लोग घर बैठे भी सत्संग का हिस्सा हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया धर्म का प्रचार करने में स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करने में मदद करता है धर्म आपके जीवन को बेहतर बनाता है धर्म ना हो तो फिर आप आप नहीं रह जाएंगी जैसे मैंने कथा में कई बार कहा आपने सुना भी होगा लोगों ने सुना जैसे आप आप एक बहन हैं आप एक विवाह हो गया होगा तो कुछ दिनों बाद आप हो गया विवाह हो गया हो गया बच्चे हैं <laughs> नहीं बच्चे नहीं है चलिए तो आप एक पत्नी हैं आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं तो आप एक है ना पर आपको तीन प्रकार से देखा गया पिता ने बेटी के रूप में देखा पति ने पत्नी के रूप में देखा आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा अच्छा ये बताइए जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं जी क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं 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 क्यों? नहीं क्यों किसने रोका है धर्म यही तो है धर्म ही तो ये फासला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं जिसके भीतर का धर्म समाप्त तो हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंतर भूल जाता है जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ जिसके अंदर धर्म है वो आपको मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में बहन के रूप में देख रहा हूँ आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता ये फासला करने वाला धर्म ही है जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज़ देखते हैं कौन लोग हैं वो बलात्कारी जिनके भीतर का धर्म समाप्त हो गया है इसलिए कभी अपने भीतर का धर्म समाप्त मत होने दीजिएगा धर्म जिंदा है तब तक ही इंसानियत जिंदा है तब तक ही माँ बहन बेटियाँ जिंदा हैं समझने वाला कौन है आपको बहन कौन देखेगा बहन के रूप में एक तो वो है जो आपका भाई है खून का रिश्ता है वो आपको कह सकता है कि मेरी बहन है और एक मैं मैं मतलब मेरी जैसी विचारधारा मेरी जैसी विचारधारा ही कह सकती है कि आप मेरी बहन है और केवल कह नहीं सकती मैं आपको रियल फीलिंग मेरे अंदर भाव बहन का है लेकिन जो तीसरा है जिसके अंदर धर्म नहीं है जो आपको बहन के रूप में नहीं कुछ और रूप में देख सकता है क्यों क्योंकि क्यों भीतर धर्म नहीं है लेकिन गुरु जी अगर सब कोई लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखने लगे तो फिर शादी कैसे करेंगे लोग अरे जिससे शादी हो जाएगी उसको पति कह दो लेकिन शादी से पहले कैसे मतलब भाई बहन शादी के देखो यही तो धर्म है जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो हमारी यही पवित्र भावना होनी चाहिए फिर जिससे विवाह हो गया शास्त्र ने धर्म ने मर्यादा के हिसाब से आपको इजाजत दे दी कि अब विवाह कर लो जब विवाह कर लो तो उसको पति और पत्नी के रूप में सदा रहो बाकी उसके अतिरिक्त सबको भाई बहन के रूप में देखो मतलब शादी से पहले देख सकते हैं ऐसे आ? शादी से पहले ऐसे देख सकते हैं ना बिना भाई बहन के रूप में शादी के रूप पहले भी देखो और शादी के बाद भी जिससे विवाह हो जाए बस वो आपका है ठीक है गुरु जी आपकी जो प्रवचन होती है वो एक दो घंटे की होती है आप तमाम तरह की बातें करते हो ज्ञान बांटते हो लोगों में लेकिन आपकी रील्स जो है वो तीस तीस सेकेंड की वायरल होती है और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है हाँ। लोग आज के युग में ना पूरा नहीं सुनना चाहते जैसे दुर्योधन ने आधा सुना जी। जैसे हुआ क्या कैकई माता ने मंथरा की रील सुन ली कैकई माता ने मंथरा की रील ही तो सुनी आधी बात सुनी सुन ली हां रील सुनी मंथरा ने कह दिया कि अरे राम को राजा बनाने की तैयारी तो महीनों से चल रही है जबकि हुई थी अभी रातों रात तो उसने आधी अधूरी बात कही और कह कई माँ ने भी आधी अधूरी बात मानी जिसके कारण इतना तहस नहस हो गया तो जब आप आधा सुनते हैं तो अध जल गगरी छल जाए। जाए। तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं इसलिए कहता हूं पूरा सुनना सीखिए पूरा समझना सीखिए आपके जितने भी मैंने सत्संग देखे रील्स देखी सब में मैंने देखा कि आप तमाम तरह के विषयों पर बात करते हैं मतलब ज्ञान जीवन का भी ज्ञान देते हैं तो मतलब मैं आपको क्या कहूं मैं आपको लाइफ कोच कहूं बाबा कहूँ, मोटिवेटर कहूँ, गाइड कहूँ, क्या कहूँ? आप तो केवल अपना भाई कहो <laughs> <laughs> बाबा आरोप भी आप पर बहुत लगते हैं ठीक है लोग बताते हैं कि बाबा धर्म की बात छोड़ करके भी और तमाम तरह की बातें करते हैं जिससे धर्म का अपमान भी कहीं ना कहीं होता है भाई धर्म की बात हम करें तो क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते क्या हमें विज्ञान साइंस की बात करने का अधिकार नहीं है क्या हमें आयुर्वेद की बात करने का अधिकार नहीं है क्या हमें भारत की राजनीति कर राजनीति की बातें करने का अधिकार नहीं है हम केवल धर्म की बात करें साइंस की बात ना करें राजनीति की बात ना करें और राजनीति में गलत सितना चल रहा है हम केवल आँख में पट्टी बांध के धरतराष्ट्र की तरह देखते रहें तब समाज खुश होगा क्या क्या चाहती है ये दुनिया कि हम ना बोलें अरे हमारे यहाँ चाणक्य हुए हैं चाणक्य जैसा धर्मात्मा कौन होगा और चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा तो हमारे यहाँ जो दशरथ जी के गुरु कौन थे वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी तो संत थे लेकिन वशिष्ठ जी भी राजनीति में एक्टिव थे वशिष्ठ जी ही बताते थे दशरथ जी को अब यह निर्णय लेना चाहिए आपको ये कार्य करना चाहिए तब वहां के शासन लंबे टाइम तक चलते थे इसलिए धर्म की आवश्यकता है राजनीति में कितनी आवश्यकता है धर्म की आज 2024 में हम बैठे हैं कितनी जरूरत है हमें धर्म से जुड़ने की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की धर्म के बिना आप जैसे दाल नमक के बिना अधूरी है कितने भी सुंदर मसाले इत्यादि डालो पर दाल में नमक ना हो सब्जी में नमक ना हो तो जैसे नमक के बिना कोई भी सब्जी फीकी है कोई भी दाल फीकी है उसी बिना उसी प्रकार धर्म के बिना आपका और हमारा जीवन पूरा फीका है धर्म बहुत आवश्यक चीज़ है धर्म तो होना ही चाहिए बाबा अब एक सवाल आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके मन में होगा कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सरल भाषा में आप जीवन का ज्ञान दे करके चले जाते हैं जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है जाना है सुना है मैंने ये सुना है कि बचपन में आप उतना पढ़ाई कर नहीं पाए थे कुछ कठिनाइयाँ रही थी लेकिन फिर आपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की हमारे वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी हमारे पुराण हमारी भगवद गीता ज्ञान के भंडार हैं तो ज्ञान बहुत आवश्यक है आप ज्ञान उठाना चाहिए कहाँ से ज्ञान आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है आप देख लीजिए दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है एक जमाना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी नालंदा में आग क्यों लगवाई क्यों जलाया गया क्यों पुस्तकालय जलाया गया महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी फिर हुआ क्या कुछ जला दिया गया कुछ चोरी कर ली गई तो हम हमें लगा कि अरे ज्ञान उनके पास पहुँच गया अब देखिए थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपको बताऊँ जी बिल्कुल उन्नीस में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी अभी कितना साल हुआ 1950 बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए लेकिन आज के 100 साल पहले 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा जब सैटेलाइट नहीं थी माइक्रोस्कोप नहीं था तब भी हमारे ऋषि मुनि यहां बैठ करके सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे तो ये साइंस नहीं था बिल्कुल ये था। विज्ञान नहीं था हमारे विज्ञान में हमारे यहां आप सोचिए कोई कैलकुलेटर नहीं, नहीं था उस समय पर नहीं था उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा कहाँ दिखेगा किस क्षेत्र में ज्यादा होगा किस क्षेत्र में कम होगा ये भी पंचांग बीस रुपए का आप खरीद के ले आइए उस पंचांग में सब कुछ मैंसन था आज के सौ साल पहले जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था जब बैलगाड़ी का जमाना था और बैलगाड़ी के जमाने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भय तो तिथि लिखी ना दिन के बारह बजे योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल तो लिखा है ना कि दिन के बारह बजे जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया जी तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती दस के बाद ग्यारह नहीं था बारह नहीं था यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं बातें बहुत निराली है आपकी पॉइंट वाली बात 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 कर जाते हो बातों बातों में। तो पढ़ते हैं ना इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं चलिए बाबा आपको एक नाम दिया गया है क्या आप जानते हैं वो क्या नाम है क्या पुकी महाराज मतलब पता है पुकी का आप बताओ आप बताओ मैंने तो सुना है प्यारा कहते हैं क्यूट कहते हैं हाँ। आप आज बन के भी आओ ये एकदम पिंक पिंक पहन करके और क्यूट लग रहे हो <laughs> देखते हो आप अपनी मीम्स, रील्स जो आती हैं। हाँ, हैं हैं। देखते हैं, देखते आपकी कुछ, फेवरेट कौन सी है? बहुत सारी हैं। कोई एक बताओ एक बहन आई मेरे पास बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की लड़की है कि नहीं तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो मारती है मैंने कहा तुम मत बोलना मैं ही बोल सकता हूं सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह हाँ। आप प्यार करो उनकी उनका सास सम्मान ठीक है मेरी सास तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मान मतलब दर्जा दे दे माँ की तरह सास उस लायक भी तो होनी चाहिए भाई देखो माँ उस लायक होनी चाहिए सवाल नहीं है आपका सवाल ही गलत है कैसे सवाल इसलिए गलत है कि देखो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई अब जब हो गई है तो उसे निभाओ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी आ, ऐसी क्यों है वैसी क्यों है गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है, है। तो जो व्यक्ति बुरा है आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयां हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे वरना चिकचिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे बाबा आपके शरण में जो भी कोई आता है फिर वो हंसते मुस्कुराते हुए जाता है मैंने देखा है आपके सत्संग में कि लोग जब आपसे बात भी करते हैं तो बहुत मुस्कुरा के करते हैं आप जवाब भी बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा करके देते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि दुख क्या होता है अगर मैं आपसे पूछू दुख को डिफाइन करने के लिए तो क्या बोलोगे उसका अगर वर्णन करने में आपको कहूंगा दुख क्या होता जी आपके हिसाब से दुख क्या है तो देखिए दुख क्या है दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती लोगों ने ऐसा मान लिया है कि दुख है जैसे मैं अपनी बात करूं बचपन की मैं बचपन में गांव में जाके घर घर जाके भिक्षा मांगता था जैसे आपकी भाषा में कहते हैं भीख मांगना मैं गांव में जाके भीख मांगता था आटा दाल चावल जो देते थे लोग उसी से मेरी माँ फिर बना के हम सबको खिलाती भगवान जी को भोग लगाती मैंने उस दौर को देखा है भीख मांगने के दौर को जब आप मुझे भिक्षा देते थे तो चावल के कुछ दाने नीचे गिर जाते थे तो मैं वो चावल को समेटता था चार दाने भी मैं उठा के अपनी झोली में डालता था मैंने वो दिन देखे हैं लेकिन उस समय पर भी हम प्रसन्न थे जी सुदामा जी गरीब हैं ऐसा लोग कहते हैं गरीब उसे कहा जाता है जिसके पास बहुत कुछ है पर बहुत कुछ होकर भी संतोष नहीं है और उस व्यक्ति को आप गरीब कह ही नहीं सकते जो पेड़ की छाँव में भी खुश है, संतुष्ट है एक रिक्शे वाले की पत्नी अपने पति के साथ, साथ साइकिल में बैठ के जाती है कई बार मर्सडीज़ में बैठ के लोग इतना प्रसन्न नहीं होते जितना साइकिल में बैठ के लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता ही आपकी अमीरी है आपकी मुस्कान ही आपका सुख है हम क्यों कमाते हैं आपने कपड़े पहने क्यों पहने विवाह किया क्यों किया बच्चे पैदा किए क्यों किए घर बनवाए क्यों बनवाया गाड़ी खरीदी क्यों खरीदी हर चीज के पीछे है आपकी प्रसन्नता आपने अपनी प्रसन्नता से कपड़े खरीदे च्वाइस के कपड़े पहने प्रसन्नता से गाड़ी ये मेरी गाड़ी पसंद नहीं आ रही ये वाली गाड़ी अच्छी है घर बनवाया ये कलर नहीं ये कलर घर पर होना चाहिए हर चीज़ आपने किसके लिए किया अपनी प्रसन्नता के लिए और जब सब कुछ प्रसन्नता के लिए हुआ और सब कुछ पाके आप प्रसन्न हुए ही नहीं तो फिर वो सब कुछ करने का फायदा क्या इसलिए जीवन का सिद्धांत है कि आप जितना है आपके पास साइकिल है आप hmm. खुश है, आप पास है, आप खुश खुश हैं हैं आपके आपके पास पास मर्सिडीज है है बड़ी बड़ा बंगला है, पर आप खुश ही नहीं है, और आपके पास घास की झोपड़ी है आप बहुत खुश हैं मैं कैसे कह दूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला गरीब है मैं ये कहूं कि वो घास की झोपड़ी में रहने वाला यदि खुश है तो वो महलों में रहने वाले से ज्यादा अमीर है महिलाएं यहाँ पे जितनी भी हैं मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सारी महिलाएं आपसे बहुत प्रेम करती हैं आपके सत्संग में भी मैंने देखा है सारी महिलाएं जो है बहुत खुशी खुशी आती हैं तो बाबा मेरा सवाल ये है कि कोई किसी से क्यों प्यार करेगा <laughs> सही है कोई किसी से क्यों प्यार क्यों करेगा? प्यार करेगा मेरे से तो इसलिए प्यार करती हैं माताएं है, क्योंकि मैं सभी वृद्धमाओं के पाव दबाता हूँ मैं हर स्त्री का सम्मान करता हूं और करने की प्रेरणा समाज को देता हूं मैं हर लड़के को कहता हूं कि बलात्कार रुक जाएगा कोई मेरी एक बात मान ले क्या बात है मेरी एक बात मान ले जैसे एक बहन ने मेरे से अभी कुछ दिन पहले प्रश्न किया कि महाराज जी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है बताइए भगवान क्या कर रहे हैं भगवान कुछ करते क्यों नहीं मैंने कहा बहन भगवान को दोषी बना देना बहुत सरल है दोषारोपण कर दीजिए आप भगवान पे कर दीजिए कोई दिक्कत भगवान थोड़ी आएंगे कहने लेकिन सबसे बड़ा दोषी कौन है बताइए मैं आपसे पूछ रहा हूं आप पत्रकार हैं बताइए बलात्कार जो होता है इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है नियत 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 क्या उस लड़के के मां बाप दोषी नहीं है जिन्होंने बच्चे को नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया क्या आप मां की जिम्मेदारी नहीं थी क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं थी जो बच्चों को यह सिखाए जब आपने आपको यह सिखाया गया कि दो और दो चार होता है आपको यह सिखाया गया कि काखा गाघा ये होता है ए फॉर एप्पल होता है बी फॉर बॉल होती है तो आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि नारी बहन होती है नारी मां होती है नारी बेटी होती है बेटा सदा तुझे नारी का सम्मान करना ये पाठ क्यों नहीं पढ़ाया गया बाबा पढ़ाया जाता है तभी तो उनकी जो दृष्टि है वो बाहर की महिलाओं के लिए खराब होती है घर की महिलाओं के लिए नहीं होती ना 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 क्यों आप पत्रकार हैं बहुत सारे केस ऐसे आपके सामने आते हैं जो घर में भी गलत होता है बिल्कुल होता है फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि घर में लोगों की नीयत साफ है घर में भी आजकल लोगों की नीयत गंदी है भाई जैसे गंदी नीयत है तो वो तो घर हो या बाहर हो वो बिल्कुल भेद नहीं करेगा कि आप घर की हो या बाहर की हो हम कहना ये चाहते हैं कि हर माँ और हर पिता इसके लिए कहा चाणक्य ने कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न सोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा वो माँ बाप क्यों नहीं सिखाते अपनी बेटी को और अपने बेटे को कि बेटा तू जब भी जाया कर रास्ते से कोई लड़की तुझे दिखे तो उसमें लक्ष्मी का दर्शन कर उसमें अपनी बहन का दर्शन कर जैसी तेरी बहन को कष्ट होता है हर माँ को ये सिखाना चाहिए कि बेटा तेरी बहन को कोई परेशान करेगा तो तुझे दर्द होगा पीड़ा होगी वो कहेगा हाँ मेरी बहन को कोई छेड़ेगा परेशान करेगा गलत बोलेगा मुझे कष्ट होगा तो माँ ये क्यों नहीं पाठ पढ़ाती बिठा के कि बेटा देखो ये जो लड़की है सड़क में जा रही है वो बैठी है वो भी किसी की बहन है वो भी किसी की माँ है जब तू परेशान करेगा पीड़ा होगी एक बार कुछ सुई लेके ना लड़कों को चुभाना चाहिए और लड़कों को चुभा के पूछना चाहिए क्यों बेटा दर्द हुआ वो बोले कहा दर्द हुआ तो फिर पूछना चाहिए कि देख, 16 दिसंबर की रात्रि थी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दी गई जब तुझे मैंने जरा सी सुई चुभाई तो कितना दर्द हुआ सो जब एक लड़की के साथ ऐसा होता होगा कितना दर्द होता होगा तू कल्पना कर सकता है ये सारी बातें आजकल सिलेबस में होनी चाहिए ताकि बलात्कार जागरूक हो हर स्त्री का सम्मान करने के लिए हर लड़का बिल्कुल तैयार हो तो हर नारी मेरा सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी का सम्मान करता हूँ हर नारी मेरे से प्यार इसलिए करती है क्योंकि मैं हर नारी के अधिकार की बात करता हूँ और अधिकार के लिए लड़ता हूँ जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं ना ऐसी 290 सौ नब्बे माताएं वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल आश्रम में हैं और जिन बेटों ने अपमान करके घर से निकाला उन माओ के मैं खुद जाके पांव दबाता हूँ तो मेरे से ये माँ बहन तो प्यार करेंगी गुरु जी आपने कहा ना कि सिखाना चाहिए तो अब इससे एक और टॉपिक खुल रहा है वो है सेक्स एजुकेशन का है ना कि लोगों को बताना चाहिए बच्चों को बताना चाहिए लेकिन द वर्ड सेक्स इज वेरी टैबू मतलब लोग बात नहीं करते हैं करनी चाहिए खुल के बात करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए आज आवश्यकता है कि इस विषय पे हम और आप खुल के बात करें और बच्चों को ना जागरूक करें छोटे छोटे बच्चे हैं ना क्या होता है छोटे बच्चे हैं जैसे पंद्रह साल का चौदह साल का लड़का एक बार क्या हुआ एक माँ मेरे पास आई उसकी चौदह साल की लड़की थी माँ बोली महाराज जी मेरी लड़की को ना प्यार हो गया है समझाओ ये शायद वायरल भी है <laughs> चौदह साल की लड़की थी मैंने उसको बुलाया मैंने माँ से कहा तुम दूर बैठो मैं इससे बात करूंगा क्योंकि माँ होगी तो वो बता ना पाएगी मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है बोले वो पंद्रह साल का है मैंने कहा तुम चौदह साल की हो वो पंद्रह साल का है तुम प्यार करती हो, प्यार करती हो? क्या प्यार करती हो क्या करती हो बोले वो हमें छूता है हम उसे छूते हैं क्या है जानते हैं ये जो एज है ये जो आयु है इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है सेंसेशन होता है है ना तो वो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये सब कैसे करना है कब करना है इसकी क्या एज होनी चाहिए इसीलिए उसको बताओ कि आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए ये सब विवाह के बाद के विषय हैं अभी आप अपने को केवल पढ़ाई पर समर्पित करो केवल मन पढ़ाई पे लगाओ ये सब नहीं इसलिए कहते हैं ना कि लड़कों को लड़कियों को इसलिए लड़कों की दोस्त लड़के ही हों और लड़कियों की दोस्त लड़की ही हो लेकिन फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बिल्कुल गलत है। क्यों, बाबा? है क्यों इसी से तो bytes bytes टुकड़े हो रहे हैं मतलब क्या है ये आप पत्रकार हैं आप जानते जी, हैं जी देखिए नहीं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ देखिए समझने चाहते हैं तो समझिए देखिए होता क्या है कि आज के युग में क्या है लड़का लड़की साथ में रहने लगते हैं जी साथ में रहते तो हैं लेकिन लड़की जो होती है ना वो सच्ची होती है लड़कियों का नेचर क्या होता है वो जिससे प्यार करती है ना वो समर्पण कर देती है बिल्कुल मैं आपसे प्यार करती हूँ आपके लिए मेरा तन मन धन जीवन सर्वस्वर्पण है जबकि कुछ लड़कों की ऐसी नियत नहीं होती वो क्या करते हैं आपका शोषण करते रहते हैं जब तक आपके साथ मन हुआ रहे फिर वो दूसरी ले आएंगे फिर वो तीसरी ले आएंगे लेकिन आपने तो एक में ही मन लगा रखा था उस लड़के ने यही तो कहा था कि हमसे विवाह करो आप हमारे संग जब लिविन में रहे अब विवाह करो जब विवाह का दबाव बनाया और उस लड़के ने विवाह नहीं किया तो लड़की ने बोला मैं सबको बताऊंगी तो उसने उसके पैंतीस टुकड़े कर दिए घटना आपकी टीवी पर तो चली थी हाँ लेकिन टुकड़े कर दिए थे लेकिन इसका फिर बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट भी एक जाकर के जुड़ता है किस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हैं वो आपका नजरिया पर मेरी दृष्टि तो कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम की कोई चीज है हमारे यहाँ चार आश्रम है विवाह के पहले तक ब्रह्मचारी रहिए आपने एक छोटा सा विज्ञान में आपको बताऊं आज आपने देखा होगा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछो उत्तर दीजिएगा आज के पचास साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे जी और आज जो बच्चे पैदा होते हैं आप बताइए कि कौन से बच्चे आज के या पचास साल पहले के मजबूत कौन बच्चे थे स्ट्रांग कौन था आपसे सवाल है मैं तो अभी मानती कि हर बच्चा स्ट्रांग होता है अब मैं इसमें क्या हर बच्चा स्ट्रांग <laughs> होता है तो आज के बच्चों को चश्मा क्यों लगता है नहीं चश्मा पहले के बच्चों को भी लगता था नहीं लगता होगा नहीं तो कोई दूसरा पहले के बच्चों को पहले के बच्चे ज्यादा स्ट्रांग थे पहले के बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा मेधावी थे स्वामी विवेकानंद जी जैसे महाराणा प्रताप शिवाजी जैसे और झांसी की रानी मर... जैसे लोग आज कहाँ हो रहे ये पहले ही थे ना क्यों ऐसा क्यों है कि पहले के बच्चे ज्यादा मजबूत थे आज के बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं खोखले हैं कारण कारण मैं ब... वही कारण तक मैं आपको ले जाऊं कारण ये है कि पहले क्या होता था विवाह के पहले तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते थे जो अपने अंदर का जो तेज था जिसे वीर्य कहते हैं उसे आप संभाल के रखते थे और जब आपके अंदर तेज था ब्रह्मचर्य की शक्ति थी जब आप विवाह करते थे तो आपकी पूरी एनर्जी एक नारी के गर्भ में प्रवेश करती थी और वो नारी उस तेज से गर्भाधान करती थी गर्भवती होती थी तो पूरी एनर्जी के साथ जब वो पूरी शक्ति उस नारी के भीतर प्रवेश करती है तो वो नारी के अंदर वो नौ महीने बच्चा तैयार होता है उस शक्तिशाली वीर से एक शक्तिशाली संतान की का निर्माण होता है जो मेधावी होगी बुद्धिमान होगी शक्ति शारीरिक शक्ति भी होगी अब जब आपने पहले ही अपना पानी की तरह नाना प्रकार बार बार अपने तेज को समाप्त किया तो अब आपकी शक्ति तो खत्म हो गई किसानों को आपने देखा होगा खेत में फसल बोने के पहले वो अच्छे बीज का चयन करते हैं जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी तो कुल मिला के आपको कह दूं कि आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं विवाह के पहले और उस पूरे ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो वही संतान राष्ट्र का निर्माण करेगी वही कुछ करेगी वरना ऐसे तो गीदड़ खूब हैं। बाबा बात ऐसी है ना कि पहले के समय में क्या होता था कि डायरेक्ट शादी होती थी अब जो लड़के लड़कियां ना वो चाहते हैं कि पहले लड़के के साथ रह ले लड़की के साथ रह ले देख ले कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसके बाद फिर शादी करने का वो सोचते हैं तो ये गलत है ना हम सही दिशा में तो ले जाना चाहते हैं आपको आप तो गलत जा रहे हैं डिवोर्स रेट भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं डिवोर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि शादी के पहले दस लोगों से चक्कर था अब जब सत्रह जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा अभी तो बिलगेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स पर बिल गेट्स की पत्नी ने सत्ताईस साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया मैं आप देखो आप नारी हो जी। मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूं एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती चाहती हैं आप नहीं, नहीं। <laughs> एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है आपका पति गरीब है चलेगा आपका पति सामला है चलेगा आपका पति कैसा भी है चलेगा पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रांग हो है ना इसलिए हमारे यहां चरित्र की बात होती है इसलिए हमारे यहां राम की पूजा होती है क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है राम चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीतामन बसिया, तो हमारे यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं जी सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को बिल्कुल जितनी भी स्त्रियां हैं यहां पर मत परोसना अपने आप को शादी से पहले पुरुषों को <laughs> बाबा एक आखिरी सवाल है आप बिग बॉस में भी गए थे सलमान खान से मिले कैसा रहा एक्सपीरियंस मैं बिग बॉस में नहीं गया पहले मैं आपको क्लियर मतलब आप वहां तक स्टेज जो तक जो बिग बॉस में गए थे वो अंदर अभी भी गुस्से नहीं मैं गए बिग बॉस के घर में, नहीं, बिग बॉस के घर में मैं नहीं गया लेकिन वहां गया मुझे लगा कि वहां जाकर के हुआ क्या कि उन्होंने सौ बार मेरे से कहा कि आप आइए अंदर के लिए जी मैंने कहा अंदर के लिए तो आप बुलाएंगे तो नहीं आएंगे क्योंकि वो अंदर का कल्चर अंदर का हिसाब किताब मेरे योग्य नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर का जो कल्चर है वो मेरे अनुकूल नहीं है मैंने मना कर दिया फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अंदर नहीं आइए तो दो घंटे के लिए जो अंदर जा रहे हैं अट्ठारह लोग उन्हें आशीर्वाद दीजिए मैंने कहा ठीक है मैं पहले उसके लिए भी मना किया कि मैं यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पता था कि बाद में ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी जी तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आप जैसे लोग अच्छे लोग यदि यहाँ नहीं आएंगे तो फिर ये बच्चे सुधरेंगे कैसे इनमें संस्कार कैसे आएगा आज इस प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं आखिर वो बदनाम है तो इसलिए कि आप जैसे लोग आना ही नहीं चाहते तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी उनके मुँह से भी राधे राधे बुलवा के भगवद गीता देनी चाहिए ताकि भगवद गीता के संस्कार उनको भी आए तो भी मेरे भी। को लगा कि जाना चाहिए और मैंने उनको खूब उस पूरे मंच में राधे राधे हो गया चलिए बाबा आप सोचते हैं ना कि ये एबीपी लाइफ का इंपैक्ट मेकर्स कॉन्क्लेव नहीं है ये आपका सत्संग है और यहां आपके भक्त बैठे हैं ये अपनी दुख ले अपना दुख जो है लेकर के आए आप आप इनके दुखों का निवारण करो क्वेश्चंस लेते हैं हाँ हाँ लीजिए किसके सवाल है प्लीज माइक हेलो नमस्ते गुरु जी मेरा नाम समृद्धि है अभी जैसे कि मैम ने बात करी कि बहु बेटियों की बात हुई जैसे कि माँ एक बेटे को आपने बोला कि माँ को अपने बेटे को सिखाना चाहिए तो आपको नहीं लगता कि अगर एक घर की बेटी किसी के घर जा रही है और उसके साथ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती उठाना चाहिए आपने बोला कि गुलाब के साथ कांटा कांटा गुलाब के साथ अगर कांटा हो तो गुलाब आ, हट नहीं सकता वहाँ से ये बोल के कि मुझे कांटा चुभ रहा है ये आपने बोला कि गुलाब हट नहीं सकता तो क्या गुलाब के साथ गलत हो वो नहीं कौन कर रहा कर रहा है? गुलाब के साथ गलत अगर गलत होता है उसकी सास उसके साथ गलत कर रही है तो सास क्या? सास गलत करेगी तो बेटी को आवाज उठाना चाहिए गलत के लिए तो पितामा भीष द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी और भीष्म पितामा चुप थे अरे समाज जब चुपचाप बैठा तमाशा देखता है तभी तो महाभारत जैसी बातें होती हैं महाभारत तभी तो होता है इसलिए गलत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए बिल्कुल गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो कई बार पुरुषों के साथ भी गलत होता है कई बार स्त्रियों के साथ भी गलत होता है तो जिसके साथ गलत हो वो बिल्कुल आवाज़ उठाए छोटी मोटी बात में ना तलाक नहीं होना चाहिए छोटी मोटी बात पे झगड़ा नहीं करना चाहिए सास ने आपको डांट दिया अब कहो नहीं जी मैं आवाज उठाऊंगी सास डांटती है भाई डांटेगी ही जवाब गलत करोगी तो माँ है दो चार डांटे सह भी लो ना रिश्ते कैसे चलते हैं दो चार बात आपकी माँ आपको डांटती नहीं बचपन में आपकी माँ ने आपको डांटा नहीं फिर तो आपकी सास भी आपको डांटेगी आपका ससुर भी आपको डांटेगा हर माँ बाप चाहते हैं कि आप अच्छे से रहें है ना जो गलत जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बर्दाश्त लेकिन जो लगे कि भाई ये हमारे हित की बात है हमारी सास है हमारा ससुर है हमारा पति कुछ कह रहा ठीक है भाई हमारे हित में सुन लेते हैं ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स <laughs> फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्पेशल थैंक्स टू ए बी पी चैनल बुलाया क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा आपने एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन लिया यहाँ पर एंड इन एजुकेशन फील्ड फॉर द पास्ट थर्टी टू ईयर्स एजुकेशन इज ए बर्निंग टॉपिक सब स्टूडेंटे उससे मगर कुछ आपने जो शेयर किया वो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बन गया है प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज क्वेश्चन इज आपने कहा कि बॉयज़ के अलग इंस्टीट्यूट्स हो एंड गर्ल्स के अलग इंस्टीट्यूट्स हो भाई साहब जब मैं जाती हूँ मीटिंग में सी बी एस ई में एन सी ई आर टी में तो हमारा कंसर्न ये रहता है कि देर इज़ नो डिफरेंस इन बॉयज एंड गर्ल्स देर सेंसिटाइजेशन हम चाहते हैं क्योंकि आजकल भाई साहब परिवार छोटे हो गए हैं जी एक एक बच्चा परिवार मेरे घर में दो बेटिया हैं तो मेरे भाई के जो बेटे हैं वो समझते हैं कि एक ही परिवार है और हम उनको बांट नहीं सकते नाम पर या गर्ल्स के नाम पर थैंक यू सो मच परिवार को को परिवार को घर को मत बांटिए लेकिन बाहर के माहौल को देख के यदि देखो एक गाना सुना होगा आपने दिल लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई फिर क्या हुआ तेरी मेरी दोस्ती प्यार में गई हाँ तो डायरेक्ट प्यार नहीं होता पहले तो दोस्ती होती है पहले दोस्ती होती है फिर दुष्कर्म होता है इसलिए दोस्ती कहीं दुष्कर्म तक ना पहुंच जाए इसलिए लड़कियों को लड़कियों के संग लड़कों को लड़कों के संग रहना चाहिए यही मर्यादा है और इसी से आप सबकी भलाई है चलिए एक आखिरी सवाल ले लेंगे अगर इसको देखा जाए आंकड़े में एक डॉक्टर भी हूँ के अब रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं हर चीज के तो स्वास्थ्य भी ज्यादा होते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बड़ी है जैसे जो जो पहले पचास साल अमूमन एज होती थी पहले पहले तो सौ साल होती थी नहीं पहले की तो नहीं, नाप जब नाप से, से रिकॉर्ड है आप देखिए सौ साल वो आप किसी युग की बात कर रहे होंगे लेकिन मैं अभी जो चल रहा है प्रत्यक्ष में जो कि हमारे पास जब से आंकड़े हैं हम 10, 20, 50, 60, 70 साल तक की बात करें पीछे तक की उसके मुताबिक अभी बहुत बढ़ रहा है पहले मैं भी खुद देखता हूँ मैं गाँव का रहने वाला हूँ पचास साठ से बाद में तो लोग ज्यादातर इसके दाँत चले गए और ज्यादातर 50, 60 में चले जाते थे हाँ, लेकिन की... अभी जो है 80 तक की एज है जो अमूमन एज है। दूसरी जो आप चश्मे की बात कर रहे हो कि चश्मे का तो जितना आप अगर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करोगे टेस्ट करोगे तो वो हो जाएगा जब लोगों के पास सुविधा ही नहीं थी तो पता ही नहीं चलता था कि हाँ चश्मा लगाना या नहीं लगाना तो हमको इस एक खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पहले बहुत अच्छा था अभी ख़राब था तो इसको सारे को कंडम करना तो आप एक प्रोग्रेस की को घटा रहे हैं तो आप ठीक है पहले का गुणगान ना करके अभी की परिस्थिति की बात होनी चाहिए कि पहले को आप वर्तमान को कंडम कर रहे हैं और जो पहले को बढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं पहले का गुणगान ना करें क्यों आप अपने माँ बाप का दादा दादी का गुणगान नहीं करते वो भी तो पहले ही थे आज थोड़ी है दादा दादी का गुणगान करते थे फिर वही तो हम पुरानी तो हम उनकी, का गुणगान कर चीजें उनको करें लेकिन है, बिल्कुल अच्छी है सर और कोई बात नहीं है चलिए थैंक यू सो मच आशी हांजी एक आखिरी सवाल ले लेंगे बाबा मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही सवाल पूछने हां बाबा आप सलमान खान से मिले क्या आपने उन्हें सल्यूशन दिया कि शादी कर लीजिए या उन्होंने आपके सामने ऐसी एस, बात रखी कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कई लड़कियाँ उनसे यही सवाल पूछना चाहती कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे भाई हमने उनसे कहा कि आप विवाह कर लो उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे अभी हमने कहा क्यों नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि बिना विवाह के ही सब हो रहा है अभी वहाँ सब हो रहा तो है तो ठीक है सब हो जाता तो गलत हो जाता है हमने उनको बोला कि गलत है हमने तो उनको ही बोला ये गलत गलत है आप समाज को प्रेरणा दे रहे हैं जी भाई आप इतने बड़े पद पर हैं समाज आपको फॉलो करता है और आप ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे तो समाज ही बहकेगा मैंने उनको बोला कि आप गलत कर रहे हैं वो मेरी बात काट दी ना फिर कलर्स वालों ने अच्छा चलिए ठीक है मैंने बोला था कि सब गलत है आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल परम्परा ही गलत है लास्ट क्वेश्चन ठीक है हाँ? आपके अनुसार सारे स्कूल्स बंद हो जाने चाहिए सिर्फ बॉयज और गर्ल्स की स्कूल्स रहने चाहिए किसके बंद हो जाने चाहिए जिसमें लड़के it later. इनका आंसर है बस एक गाना आपने गा दिया दिल लगी ने दी हवा ये नहीं है स्कूल में बहुत एजुकेशन है नहीं एजुकेशन है एजुकेशन है हम एजुकेशन में थोड़ी ही कर रहे हैं बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आप आए एबीपी लाइफ लाइव के साथ जुड़े हमें आपने पथ प्रदर्शित किया थैंक यू सो मच धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद